रायबरेली में अराजक तत्वों से बड़ी घटना को अंजाम दिया है। यहां शहर की सीमा से लगे वन विभाग के जंगल में किसी ने आग लगा दी। आग लगने की घटना में हजारों सागौन के पेड़ उसकी चपेट में आ गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद तड़के तक आग पर काबू पा सके। मामला बदोखर थाना इलाके के शारदा नहर रिंग रोड का है। यहां शहर के सीमा से लगा वन विभाग का जंगल स्थित है। इसमें लाखों सागौन के पेड़ लगे हैं। इसके किनारे किनारे मूंज की झाड़ियां हैं। देर रात अराजक तत्वों ने इन्हीं मूंज की झाड़ियों में किसी ने आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सागौन के पेड़ धूं धूं कर जलने लगे। सूचना पाकर थाना भदोखर प्रभारी शिवाकांत पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फायर कर्मियों के साथ मिलकर आग पर सुबह होते होते किसी तरह काबू पाया। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है लीडिंग फायरमैन योगन कुमार अवस्थी। अभी ये वन विभाग में आग लगी थी, क्या है मामला? ये किसी के द्वारा लगाई गई थी, अज्ञात लोगों के द्वारा। उसको हमने लोगों ने पूर्ण रूप से पानी डाल के पीट पाट के बुझा दिया। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।